अंक ही दोनों अच्छे हैं और दोनों ही हो जाए, और ये पिता अंक दोनों को समझा दो सर आप। आपकी बिटिया भी, उनका बेटा भी, और दोनों ऐसा लगता है आप लोग अच्छे परिवार से हैं, सब है। कोशिश करिए, क्या रखा है सर, तो लिविंग रिलेशनशिप पे रह रहा है सर वो, और उसके बाद अभी तक 4 साल से पैसे नहीं दिए सर ने, और ये एक ही बिटिया है सर, चार चार लाख रुपए मेंटेनेंस बकाया सर। वो ब्लेम है सर लिविंग रिलेशन का। एप्लीकेशन है ठीक। यस वाला एक आईए नंबर है 5143/2024। ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें मैंने धारा 9 से संबंधित जो फैसला आया है वो उसका जवाब और उससे संबंधित जो एप्लीकेशन है और 7/11 की भी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। इसमें देखो इसमें वाइफ के लिए है कि मैं वाइफ की, मैं हस्बैंड की तरफ से वाला है, जेश की तरफ से 125 में, 125 में क्या है एप्लीकेशन में क्या हुआ बाला डी, इसमें जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट पेश किए उसमें ऐसा है कि आज भी साथ रहने के लिए तैयार है, इस बार जो है जहां रहते हैं मतलब जहां काम करते हैं वहां मुझे साथ रहने के लिए ऐसा स्टेटमेंट पाया आप हस्बैंड के लिए, है। और इनकी ऐसी आप हैं जयेश, क्या सर क्या करते हैं, ऑडिटिंग का काम, ऑडिटिंग कहाँ पे, ऑडिटिंग कहाँ, वो एज ए कंसल्टेंट है तो मेरे पास जो काम आता है जहाँ भी साइट होती है वहाँ जाना होता है, प्राइवेट कंपनी में मतलब खुद का ही होता है। अच्छा कोई डाइवोर्स पिटीशन वगैरह चल रही है क्या, नहीं सर कुछ नहीं, नहीं सर लास्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर 6 ईयर से हमें ना कोशिश कर रहे हैं इनको लाने की, बट ये आ नहीं गई, अपने घर पर रुकी हुई है और अराउंड अराउंड 2019 से हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, बट क्या कहना है कि हमारा स्तर के हिसाब से नहीं है, क्या नहीं है स्टैंडर्ड, हमको थर्ड क्लास मर्जी और रहना नहीं चाहती। ये इन्होंने तो ये कोई नई बात कौन है भाई, नो बडी सेटिस्फाइड विद दिस क्या, आप भी हैं यामिनी नाम की, कितना एजुकेशन क्या है, सर बीकॉम एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, एलएलबी आप तो एजुकेटेड हैं क्या आप लोग, मैं एजुकेटेड तो हूँ सर, 2017 में मेरी शादी हुई, फर्स्ट नाइट को मुझे बताया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, मैंने बहुत कोशिश करी कि जो पास था वो हो चुका है, होते बुला के आगे रिस्टार्ट करते, ये लोग नहीं माने, और अभी भी सर साथ में रहने की बात ये है, इनकी कुछ कुछ कंडीशंस है कि आप सारी केसेस वापिस लो, मुझे जहाँ से पता चला ये सब वीजा पासपोर्ट बना ना उनकी लड़की के साथ स्टे करना, तो फिर मैं वहां के वहीं आ जाऊंगी सर, ऐसा आपका सोचना वही नहीं है, नहीं सर सारे ऐसा कोई चीजें हैं, क्या सर सारी चीजें उसमें है जो मेंशन करी है, भाई ये एक्चुअली में ये लिविंग रिलेशनशिप में है, वो इनका ना जो ये तलाक की डाइवर्शन वो डिसमिस हो गई। डाइवोर्स खरीद हो गए, हाँ जी, और इनने ना 9 का दावा भी लगाया था तो वो भी नहीं आए, और इसके अंदर ये 125 के अरे ध्यान से ये सब दोनों एजुकेटेड है, जी 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 सर एक और बात बताइए सर, सेटल हो सकता है तो हाई मेस्ट प्रिंसिपल है सर, श्रीमान इनके फादर वकील है और ये रिटायर न्यायिक ये भी वकील ही है, भले ही रजिस्टर ना हो एलएलबी तो किए नहीं, सदा देव उनके पास है 2019 से सर, लेकिन उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सर, नहीं वो व्यर्थ, आप लोग दोनों को एडवाइट करना, मैं तो ना सर हार गया हूँ सर, इनमें दोनों विद्वान हैं और तीसरे तीसरा व्यू यही परेशानी है सर मैं हार गया हूँ सर, मैंने दोनों को इतना समझाया, मेरा ऑफिस में बुलाया, किचन में भी बुला के उनको बिठाया, और इनके फादर भी आए हैं, फादर दोनों आए हैं सर, एक बार आप चर्चा कर लो सर, क्योंकि हम छोटे लोग हैं और आप समझाओगे तो समझ में आ मैं एक जाएंगे। पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ, अभी लास्ट 2 महीने में हमने 2 मीटिंग की और पिछले 5 साल से हम एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए, लास्ट 2 मीटिंग्स में ये रहा इनकी तरफ से पहली कंडीशन आई कि पहले आप 6 महीने मुझे एंटरटेन करो, आओ बात करो, घूमने अभी आप मेरे कहाँ पे हैं, जी सर आप इंदौर में हैं, मैं इंदौर रहता हूँ सर, बट अगर काम कहीं बाहर का आता है तो ट्रेवल करता सर
एक ये पार्टनर हैं सर और ये वकील हैं सुप्रीम अपना हाई कोर्ट के और ये रिटायर्ड हैं एक और दोनों के बच्चे हैं नाम तो कुछ नहीं है लाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं ये आपकी बिटिया भी उनका बेटा भी और दोनों ऐसा लगता है आप लोग अच्छे परिवार से हैं सब है कोशिश करिए क्या रखा इसमें लिखेंगे आप कोशिश कर ली लेकिन सही तैयारी नहीं होता और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है सर और उसके बाद अभी तक 4 साल से पैसे नहीं दिए सर ने और ये एक ही बेटा है 4 लाख रुपए मेंटेनेंस बकाया सर वो प्लान है सर लिविंग रिलेशनशिप 498 का केस बच्ची झूठ नहीं बोल झूठा 498 का केस किया हुआ कुछ इशू नहीं है इनका कुछ कंडीशन बनी भी थी उसपे भी हमने एग्री किया था सर कि हम ले जाना चाहते हैं बट 15-16 फ्लैट लाई गई आप लोग अगर ऐसे एटीट्यूड से जाएंगे तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर फॉरेन जाना चाहता है क्योंकि वो मेडिएशन फेल हो गया सर मैकेनिकल इंजीनियर है सर कुछ शर्तें ऐसी आ गई थी जिसको मतलब अगर कि वो थोड़ा उस वजह से कोशिश करिए नहीं तो फिर कोर्ट से डिसाइड करिए इनकी तरफ से शर्त थी जो 498 था सर थाने वगैरह पे जो होता है न्यूज पेपर में इंफॉर्मेशन आ जाती है हमने किसी को इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी इनका ये था शर्त कि आप वापस इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने झूठा केस लगा और आप बकाया का पेपर में छपा के माफी वगैरह अगर इनके पास देखिए समझौता होगा मीडिएशन में तो केस को तो वापस लेना yes, हाँ इनका पासपोर्ट जरूर जमा करवा देंगे yes, आपका जो डर है तो अभी पासपोर्ट उसमें परमिशन डाल देंगे कि पासपोर्ट जो है बिना फोटो पर आ जाना नहीं बस सब चीजें सॉल्व हो सकती है अगर आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से मीडिएटर के पास में एक कोशिश करिए अभी आप लोग लॉन्ग लाइफ है एजुकेटेड है दोनों लोग जो है यानी करिए ब्रेक डाउन इज नो परमिशन ऑफ द मैरिज करिए नहीं है म्यूचुअल कंसेंट से कुछ yes, जो है स्टेट ऑफ फाइटिंग जो है सर आप जो अच्छे उत्तम सभी उत्तम सब ट्रेंड सर दोनों सर सर एक्चुअली में क्या दोनों की मानसिकता को पकड़ ले और वो कर ले आप कोई अगर दोनों अगर नाम चाहते हैं तो बोलिए नहीं सर आप ही बताओ शमीम साहब के यहाँ अपना आप ही सर अपना आप ही सर अच्छा कोई नाम नहीं सर हम तो हो गया सर उनके यहाँ उनके सर हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 सालों से बट अभी भी लास्ट 2 मीटिंग 2 महीने में हम कर चुके हैं इनके साथ भी और इनके जो इनके साठ हुए उनके साथ भी फर्स्ट कंडीशन में ये आया कि आप मुझे 6 महीने पहले इंट्रोड्यूस करिए हस्बैंड जयेश अलोंग विद एप्लीकेंट जयेश एंड श्री राकेश व्यास along with wife non applicant your 60.1 में कर दी श्रीमती यामिनी पुलता as per the record earlier mediation has failed however after hearing applicant and non applicant and their counsel
this vote is of the view that one more effort be made for mediation between the party issues and considering the same parties are directed to earlier before mediator Dr. Mohammad Sameen. कोई डेट आपको बताइए। हाँ सर एक मिनट, आप दोनों यहाँ पे किस डेट पे आएंगे? उज्जैन से आते हैं। कोई भी डेट तो आप सुनेंगे जल्दी। कौन सा मई? 22 दे दीजिए। 22 मई ऑन 22 मई 2024 लिस्ट द मैटर अलोंग विद मीडिएशन रिपोर्ट। सर सर आप कोशिश करेंगे आप दोनों लोग हो जाए। तो मैं तो चाहता हूँ कि दोनों अच्छे हैं और दोनों ही हो जाए, पर ये पिता उन दोनों को समझा दो सर आप। सर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर करें मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो बड़े हैं उनको ज्यादा, लेकिन सर रहना मुझे है, वो चीजें मैं फेस करके आई हूँ, मेरे लिए रहना थोड़ा सा। आप मीडिएटर के सामने रखिएगा ये बात। जी सर, आपको एक मौका देंगे एक साथ रह के, तो देखिए एक महीने दो महीने नहीं होगा तो वापस आप लोगों का केस पेंडिंग रखिए। सो मीडिएटर एक्सपीरियंस थे, वो सारे रास्ते निकालेंगे आपको। एक आध महीने साथ में तो रह के देखिए, फिर केस को पुट अप कर लेंगे वो मीडिएशन जो है। तो कोशिश करिए, आप दोनों एजुकेटेड लोग हैं, क्यों दोनों बार के ही है सर। हाँ ठीक सर, उपलब्ध।